क्रिप्टो के एक और नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस एपिसोड में मैं आपको हमेशा की तरह ही आईपीएल और क्रिकेट से जुड़े कुछ नया और इम्पोर्टेंट अपडेट बताने वाला हूं। तो आज पहला अपडेट आ रहा है सीएसके के सुरेश रैना के रिप्लेसमेंट को लेकर। तो सुरेश रैना का रिप्लेसमेंट हो सकता है डेविड मलन, ऐसा भाई अपडेट हमें मिल रहा है। ये खबर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है और इसके ही ऊपर भाई यहाँ पर हमें रिएक्शन मिल चुका है सीएसके के सीईओ का। और भाई उन्होंने कहा है नहीं, अभी तक हमने मलन से बातचीत स्टार्ट नहीं किया है, सुरेश रैना का मामला अभी तक क्लियर नहीं है, और जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग बात करेंगे मलन से। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आईपीएल के रूल्स के मुताबिक एक स्क्वाड में मैक्सिमम 8 विदेशी खिलाड़ी होना चाहिए और हमारे पास ऑलरेडी 8 विदेशी खिलाड़ी मौजूद है, इसीलिए हम लोग मलन को साइन ही नहीं कर सकते हैं। तो यहां से हमें एकदम क्लियर पता चल रहा है कि अभी तक सीएसके ने सुरेश रैना के रिप्लेसमेंट के बारे में नहीं सोचा है। आगे आने वाले दिनों में शायद एक इंडियन खिलाड़ी हो सकता है सीएसके की टीम में सुरेश रैना की जगह, लेकिन विदेशी खिलाड़ी नहीं होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है सनराइज हैदराबाद की तरफ से, एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है क्योंकि भाई सनराइज हैदराबाद का होनहार खिलाड़ी केन विलियमसन और बिल्ली ये दोनों ही आ चुका है ट्रेनिंग ग्राउंड पर क्वारंटाइन खत्म करके। आप लोग यहां पर पिक्चर देख सकते हो, केन विलियमसन प्रैक्टिस कर रहा है और साथ साथ बिल्ली भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है टीम के साथ। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है आईपीएल के लाइव टेलीकास्ट को लेकर डिजिटली। तो भाई आपको पता है कि हॉटस्टार डिज्नी पर आने वाला है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार हो चुका है और वहां पर ही आपको लाइव टेलीकास्ट देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको भाई वीआईपी होना पड़ेगा और डिज्नी प्लस लेना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा हॉटस्टार पर। लेकिन दो भाई कंपनी है एयरटेल और जियो, ये दोनों ही सिम वालों ने भाई एक बहुत ही दमदार ऑफर लॉन्च किया है जिसके चलते आप लोग डिज्नी और हॉटस्टार वीआईपी बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हो। अगर एयरटेल की बात किया जाए तो एयरटेल ने 401 रुपये का एक रिचार्ज प्लान बनाया है जिसके चलते आपको 30 GB मिल जाएगा 28 दिन में, और साथ साथ भाई आपको डिज्नी प्लस और हॉटस्टार वीआईपी का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा उसी नंबर पर। उसके बाद जियो ने भी भाई नया प्लान लॉन्च किया है, 499 यानी कि 499 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा 84 GB और साथ साथ 56 दिन का वैलिडिटी रहेगा, और यहाँ पर आपको एनुअली एक साल का डिज्नी प्लस और हॉटस्टार वीआईपी का पास भी मिल जाएगा। तो एक बहुत ही बड़ा ऑफर है भाई, मैंने सोचा कि आप लोगों को बता देना चाहिए। आप लोग फालतू में ही सिर्फ डिज्नी को रिचार्ज करेंगे तो अपने सिम को रिचार्ज कीजिए इसी अमाउंट पर, एयरटेल को करना पड़ेगा 401 रुपये और दूसरी तरफ जियो को करना पड़ेगा 499 रिचार्ज, और भाई आपको मिल जाएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार का एकदम सब्सक्रिप्शन एक साल के लिए, और आईपीएल का आप लोग बहुत ही आसानी से इंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है श्रीलंका के T20 लीग को लेकर। तो भाई लंका प्रीमियर लीग में हमारे दो इंडियन खिलाड़ी इस बार शायद खेलने वाला है, ऑलमोस्ट आप लोग कन्फर्म मान सकते हो। एक है भाई मुन्ना पटेल, दूसरा है प्रवीण कुमार, दोनों ही फॉर्मर खिलाड़ी है इंडिया का, शायद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है और उसके चलते भाई बीसीसीआई का हक नहीं बनता है कि इन दोनों को रोके लंका प्रीमियर लीग खेलने से। दूसरी तरफ सुनाई दे रहा है कि इरफान पठान और यूसुफ पठान, ये पठान ब्रदर्स भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि वो अभी भी बीसीसीआई के साथ शायद जुड़ा हुआ है, इसलिए बीसीसीआई से एनओसी लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो जा पाएगा लंका प्रीमियर लीग में। लेकिन सबसे ज़्यादा चांस यहाँ पर मुन्ना पटेल और प्रवीण कुमार का लग रहा है, अंदर से हमें ये बात मिल चुका है कि सब कुछ एकदम क्लियर है, सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट ही बाकी है, लेकिन भाई उसके बीच में कुछ भी हो सकता है, बीसीसीआई भी अपना टांग अड़ा सकता है, वो तो भाई सभी जगह अपना टांग अड़ा रहा है तो यहाँ पर भी आ सकता है। चलिए देखते हैं कि आगे चलकर क्या अपडेट आता है, जब ऑफिशियल अपडेट मिल जाएगा लंका प्रीमियर लीग से कि मुन्ना पटेल और प्रवीण कुमार कन्फर्म हो चुका है और किस टीम में हो चुका है वो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है सीएसके, किंग्स इलेवन पंजाब, दिल्ली कैपिटल्स, केकेआर और राजस्थान रॉयल के ट्रैवल पार्टनर के बारे में। तो भाई इबिक्स कैश बन चुका है इन सभी का प्रिफर्ड ट्रैवल पार्टनर, सीएसके, किंग्स इलेवन पंजाब, दिल्ली कैपिटल्स, केकेआर और राजस्थान रॉयल का। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड से। तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया राइट था वो सेवन नेटवर्क के पास था, लेकिन भाई सेवन नेटवर्क ने पैसा देना बंद कर दिया है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि उन्होंने एक नोटिस भेजा है बोर्ड को कि हम लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहते हैं क्योंकि इस पेंडेमिक सिचुएशन में हमारा हाल बहुत ही ख़राब है, और कॉन्ट्रैक्ट वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड के साथ। तो एक बहुत ही बड़ा दिक्कत है भाई अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि इस पेंडेमिक वाली सिचुएशन में नया डील साइन करना, नया कंपनी ढूंढना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ लग रहा है।
जैसे कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ हो रहा है और अब वही चीज़ हमें दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के साथ। इसके बाद दूसरी तरफ एक गुड न्यूज़ भी ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड के तरफ से, जैसा कि आपको पता है कि जो बिग बैश लीग होता है उसका टाइटल स्पॉन्सर है KFC, तो भाई KFC का जो डील था वो फिर से रिटर्न कर लिया है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैकडॉनल्ड्स के तरफ से भाई एक बहुत ही बड़ा शानदार बड़े अमाउंट का ऑफर था, लगभग $10 मिलियन का, लेकिन उसको ठुकरा के KFC के ऊपर ही भरसा किया है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि जब से बिग बैश लीग स्टार्ट हुआ है KFC हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है एज ए जेन्युइन कंपनी और उनका जो विज़न है वो बहुत ही अच्छा है, इसीलिए हम लोग KFC को ही रिटर्न करेंगे। शायद KFC का अमाउंट थोड़ा कम था मैकडॉनल्ड से, फिर भी यहाँ पर भाई ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने KFC को ही चुना है मैकडॉनल्ड्स के बड़े ऑफर को ठुकरा कर। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है CPL 2020 के फाइनल मैच से। भाई TKR ने 4-time चैंपियनशिप हासिल कर लिया है कल जीतने के बाद सेंट लुसिया जुक्स को हराने के बाद। तो भाई TKR एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बन गया है सभी टीमों के लिए, इस बार अनबीटन रन था इनका और भाई एकदम अंत में जाकर उन्होंने जीत भी हासिल कर लिया है। इस सीजन में एक भी मैच TKR ने नहीं हरा था और करण पोलार्ड बहुत ही उम्दा तरीके से भाई टीम को मैनेज किया था, काबिले तारीफ परफॉर्मेंस था पूरा टीम का और सर्वकन के फ्रेंचाइजी के लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है। साथ साथ अब भाई दरमदर आ चुका है KKR के ऊपर कि वो भी कुछ इस तरह का चीज करके दिखाया IPL में, लेकिन भाई IPL में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, KKR के लिए बहुत ही टफ होगा इस बार जीतना, लेकिन उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमारा सीरीज चल रहा है, हर टीमों का एनालाइज करके मैं आपको दे रहा हूँ, फीलिंग एलेवन सेट करके दे रहा हूँ, स्ट्रेंथ बता रहा हूँ, भाई उनसे भी वीडियो को चेकआउट कर दीजिए। भाई बहुत ही ज़्यादा कम व्यू आ रहा है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो भाई ज़रूर उनसे भी वीडियो को भी चेकआउट कीजिए, भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है KKR के खेमे से, एक बहुत बड़ा अपडेट है, लकी फर्ग्यूसन भाई निकल चुका है ट्रेनिंग के लिए अपना क्वारंटाइन पूरा करके। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर कि KKR के लकी फर्ग्यूसन ट्रेनिंग कर रहा है बहुत उम्दा तरीके से, एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है KKR और RCB के CEO के तरफ से, तो KKR और RCB के CEO ने कह दिया है कि हमारा जितना भी ऑस्ट्रेलिया के और इंग्लैंड के खिलाड़ी है वो क्वारंटाइन पर नहीं रहेगा, फर्स्ट मैच से ही वो अवेलेबल हो जाएगा। तो भाई अभी तक तो ऑफिशियल अपडेट नहीं मिला है, लेकिन फिर भी ये दोनों ही CEO कह रहा है कि हमारे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ी फर्स्ट मैच से ही अवेलेबल हो जाएगा। अब भाई फाइनल डिसीजन आएगा BCCI की तरफ से ही और जब हमें ऑफिशियल अपडेट पता चलेगा BCCI के खेमे से मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन इन दोनों CEO का मानना है कि उनके हर खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से आएगा वो फर्स्ट मैच से ही अवेलेबल होगा। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले, और आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।